प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर सर्व समाज विकास समिति की महिला ने शासन प्रशासन के विरोध में धरना और प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व पूजा मिश्रा गोलू सोनकर ने किया। वहीं इनके नेतृत्व में सुभाष चौराहे पर मार्च कर सुभाष चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सर्व समाज महिलाएं सर्व समाज नारी विकास समिति की तरफ से संगम पर हो रहे प्रशासन के द्वारा तोड़ विरोध में अपना विरोध जता रही है। वही महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विगत कई वर्षों से फूलमाला कड़ी पटरी पर लगाकर अपना जीवन व्यापन करती आ रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन की लड़ाई पर उनके पेट पर लात मारी जा रही है, जिससे उन्होंने विरोध जताते हुए अपना प्रदर्शन किया और कहा कि हमारे पेट पर लात मारी जा रही है, जिससे हम काफी बेबस और लाचार हो चुके हैं, हमारा गुजर बसर होना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि हमारे हालातों को देखते हुए जीवन यापन करने हेतु जमीन आवंटित कराएं, और पत्रकार बंधुओं से भी उन्होंने गुजारिश करके कहा कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें। विगत आज कई दिनों से शासन प्रशासन की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में इन गरीब महिलाएं गाला माला कंटी की दुकान रख के अपना जीवन पसंद कर रही है, अपना घर चला रही है। उसके उपलक्ष्य में शासन प्रशासन की लड़ाई में लोगों को नुकसान हो रहा है, इनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, आए दिन इनको यहाँ से भगाया जा रहा है। ये गरीब महिलाएं कहाँ है? सरकार से हम लोग ने सभी महिलाएं मिलकर माननीय केसरी देवी सांसद जी से यह बात रखी थी। सांसद जी का कहना कि हमने ये बात दिल्ली सरकार तक पहुंचाई, पर दिल्ली सरकार द्वारा अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हमारे लिए कोई अभी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिससे हमारे रोजगार को जो तोड़ फोड़ किया जा रहा है उसमें बचाव हो सके। अपना परिचय बता दीजिए। मैं पूजा मिश्रा हूँ, ये इन महिलाओं की हमेशा लड़ाई लड़ती आई हूँ, अपने नेतृत्व में महिला प्रशासन से भी लड़ा था पिछले वर्ष भी, इस वर्ष हम बस इतना चाहते हैं सरकार द्वारा, आप लोगों के माध्यम द्वारा, कि हम लोगों को लीगल प्रोसेस में रख के ऐसा कार्य किया जाए, सरकार ऐसा कर दे कि हम लोग कंटिन्यू वो ये काम करें, कोई तोड़ फोड़।